سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر مغضوب علیہم الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد سہنی صلوات جتنے بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ پھر دعا دے ہاتھ بلند فرماؤ دعا برائے ظہور حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک علی حجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا اس کے نہ ہو ارض کا تو ان و تم ہو فی ہا یا ربا محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد واجل فرج قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد انتہائی 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 واجب الاحترام بزرگوں میرے بہت 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 پیارے بھائیوں اسا سارے اپنے اپنے ہاتھ بلند کر کے اپنے امام دے ظہور دی دعا منگی آئے گا لے ان جتنے تشریف فرماؤ ایک مرتبہ زبانی التجا کران گے جتنی جتنی وقت دے امام دی انتظار ہے جی جکھا لیو کوشش کر کے ایک مرتبہ اتنی بلند صلوات اللہم بسم اللہ جدا جتنے حاضرین مجلس ہو اپنے اپنے رزق اپنے اپنے بخت وچ بے پناہ اضافے واسطے سوہنی صلوات جتنے حاضرین مجلس ہو اپنے اپنے مرحومین بانیان دے مرحومین ساڑا بہت پیارا بھائی سید حیدر رضوی چند دن پہلے عملے سمے سان چھوڑ کے گیا پہلے دن کلو گن کے آئی دنی تائیں شہدائے ملت جعفریہ تمام دے درجات دی بلندی واسطے ایک سونی جئی مشترکہ جئی سلامات نعرہ تکبیر چلو جڑے بیٹھے ہو وہ بیٹھے ہو اللہ سونے دنا ہی میں سونا کر کے چاہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نظر آوے جو استعمالی والے آنا ہے نعرہ آئے دری غدیری بیٹھے ہیں غدیر دی یاد تازہ کریں گے ہاتھ بلند کر کے ہائے دری مشکل لمبا کشا علی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر دشمنہ نے اہل بیت لانت اگلی لانت واجب کر کے پاواں گے بر دشمنہ نے مخدومہ کونین لانت
एक बार अखी बंद करांगे, गर्दन झुकावांगे, कायनात दी मोहसिना दी अजमत ते जितनी मुमकिन हो सकी बोला लंग सलवात। बजदा कला हालिका कायनात इस मेहनत इस इबादत इस कोशिश दा अजरे अजीम अता फरमाए। घर च टुरदे हाँ, जितनिया दुआई दिलां खिन के आयो इसे करदा सदका इसे करदा वारस कै बंदे नूं खाली वापस न टोरे। जवानियां माणो इवें थोड़ा जा इत्थों उठ के ये सामने नहीं आवेंदे, आओ सोने बिरा का हुक्म आई नौकरी वास्ते हाजिर हाँ। वक्त हूँ मेरे भाई जनाब के सामने माहौल सामने ठीक है, नौकरी नौकरी भी उतनी दे सी जितनी इस माहौल देनी चाहिए। ये शिवाल का महीना और भाई आलम है शिवाल का महीना इस भी अमूमन तस्करा होंदा है मेरे मखदूमा बड़ी सहन का। अगले चार मिसरे तो नौकरी का आगाज पे करदा, नबी की बेटियां है और तो जो है जो यो जो काम बंदा कर लवे तो हो जावन तो फिर जकन की लोड़ नहीं होंगी। हूँ जनाब रही उतो उठन तो इतने आ जो तुसा करना सी हो चुके होंदा रहा है ठीक है। मैं चाचा करो भाई पढ़ूंगा बैठे नबी की बेटियां हैं और विराज पहले इस तरह नहीं से। कुछ अरसे तो सऊदीया वाले उत्ते सऊदीया विच कुछ बोर्ड नसब किए और उन्होंने बोर्डा तो उन्होंने रसूले पाक दियां मजीद त्रै बेटियां दे नाम और शजरे वगैरह बना के उन्होंने बोर्ड ला दिते। इंटरनेट का दौर है साड़िया मदरसा लाइव चल दी है। बाबा सऊदीया भी दुनिया के बिच ही आता है। आगा लियो अज इजाजत दियो तो तुहाडा प्लेटफार्म इस्तेमाल करके मैं चार मिसरे की शक्ल च पैगाम पहुँचावा सऊदीया। मैं कह रहा नबी की बेटियां हैं और लिख तो सकते हो भाई मेहरबानी भाई मेहरबानी बिरा थोड़े अगे थोड़े रह गए यार जेडे बैठे हो तो मेरे अल बैठे जवानी माने शाला माँ प्यो नसीब हो गए। नबी की बेटियां हैं और लिख तो सकते हो हुसैन जैसा निवासा कहाँ से लाओगे। सलामत रहे जरा बीबी जी बचा भाई मेहरबानी भाई मेहरबानी भाई मेहरबानी भाई मेहरबानी मेहरबानी मेरा भाई। बाबा नबी की बेटियां हैं और लिख तो सकते हो हुसैन जैसा निवासा कहां से लाओगे और निवासा भी कोई ले आए तो मुसलमानों कोई झुलाने झूला फरिश्ता कहां से लाओगे। भाई मेहरबानी
झूलाने झूला फरिश्ता कहाँ से लाऊं। मेरे तो पहले जिस भी आख्या ना भी बड़ा औखा टाइम है उस एवं कूड़ ही मारे है। असली औखा टाइम है ये, इंजी है ना भाई, शाम अजान नमाज, ठीक है ना जी। तो कारीगर अपना काम कर गए, कारीगर अंदर ले उन्हें सा मस्कीना भी चलो एक अद्धा कसीदा तो तुम सुना ना जी। जेड़े हुक्म ही वह बल सही, क्योंकि एक तबीयत होंगी ना बंदे की, बंदा घरों जो टुरता है तो पढ़ने नीयत टुरता है। हाँ सरकार बाबुल हवाई दिशान का कसीदा, बदाहिर मेरा मौला है छे महदा, करीम बहुत बड़ा। करबल में जो तीर बढ़ा जानिबे असगर, बाबा मेरा दिल करता मैं जिंदगी वारा इन चार मिसरिया तो, मेरे को इतने पसंद है। करबल में जो एक तीर बढ़ा जानिबे असगर, उस तीर को बातिल की तरफ मोड़ दिया है, उस तीर को बातिल की तरफ मोड़ दिया है, फिर तीर रिहा करके तबस्सुम की कमा से बैयत को तड़पने के लिए तीर रिहा करके तबस्सुम की कमा से बैयत को तड़पने के लिए छोड़ दिया। फिर किसी वेले आदरी हो सी, यकीनन हो सी, जरूर हो सी, जल्दी हो सी, महिले सौदों में तुम सुना होगी आज इंजी समझो भी थोड़े नाल सलाम लैण है। कसीदा सरकारे बाबुल हवाई दा जनाब दी मुहब्बत दी नजर। आले चले जो खुल्द को वो रास्ता तो आप है, ले चले जो खुल्द को। मैं तो उन्होंने कितने पढ़ाया सकते हैं क्या है, गूंज क्या भाई ये मेरा काम। याली याली ये गूंज कम करो, गूंज कम करो, गूंज कम करो। तो एक सलावत पढ़ो सोनी करके मौला दी दात पे जी, आवाज नहीं आ रही। ऐलान किस चीज का, शाबाश है जी, में खैर हो भी। ओ भाई स्पीकर आ लिया कितने आप, इजाजत है जी दो शेर पढ़ ली। आले चले जो खुल्द को वो रास्ता तो आप है, ले चले जो खुल्द को वो रास्ता तो आप है, ले चले जो खुल्द को वो रास्ता तो बहुत मेहरबानी। क्या बात है मेरे भाई दी, शाला माँ प्यो नसीब हो यार जितने जवान बैठे हो। ले चले जो खुल्द को वो रास्ता तो आप है, ए अली असगर हमारा
आसरा तो चाचा ये शह मेरे चेहरे से होनी चाहिए जड़ी तेरे चेहरे से इनू हटा मैं तेन कसीदा सुना वो ले चले जो खुल्द को वो रास्ता तो आप है ऐ अली असगर हमारा आसरा तो आप है तो पैगा लियो जो थोड़ा सुन दिल है तो फिर कसीदे का पहला शेर मुर्तदा कंबर उस बुलंदी तो शुरू करो बाबा जे पहला शेर उस बुलंदी तो है तो फिर आगे आगे देखे होता है क्या बार बार यो जी खैरात नहीं पिनिया जातियां सर चो कहीं ना मुंडा शेर पे पढ़ना ते गल कड़ी प्या जब हुए असगर तो अल्लाह ने कहा जब हुए जलवानुमा असगर तो अल्लाह ने कहा जिसमें मुझको मैं दिखा वो आईना तो आप है जिसमें मुझको भाई बहुत मेहरबानी जिंदगी हो बचा जिंदगी हो बचा जी फिर पढ़ देना मेरे भाई पे आ देन भाई शेर वाल पढ़ दे जनाब दई हे प्रोग्राम शेर वाल पढ़ दे ए अली असगर हमारा आसरा तो आप है तुम्हारी मोहब्बत मजबूर किया शेर वाल पे पढ़दा ते गल कड़ी पे आदा जब हुए जलवानुमा असगर तो अल्लाह ने कहा जब हुए जलवानुमा असगर तो अल्लाह ने कहा जिसमें मुझको मैं वो आईना तो आप है लोग शेर पढ़ूंगा हाँ डीजी खा ले पढ़ू नहीं इन हावत लिखूंगा नट भरे पे जड़े मुल्क च माहौल बने इस शेर से फेरा मेरे बयान तो बाहर जनाब रिसर्च सैकटरी ते सामने आओ हजूर इसमें मुझको मैं दिखा वो आईना तो आप है मैं फिर एक शेर पढ़ूंगा पढ़ू नहीं लिखूंगा सर चो शेर जनाब दी मोहब्बत दी नजर शाहे मर्दा शाहे मर्दा शेर यजदा हाँ कुवते परवरदिगार सदका 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 ला फता लाफता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार लाफता 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 आपने जब भी लड़े ही जंग करबल जीत ली आपने जब भी लड़े ही जंग करबल जीत ली मुर्तजा ये कह रहे थे लाफता तो आप है मुर्तजा ये कह रहे भाई क्या बात है भाई क्या बात है यार तो सुनो दे क्या बात है बड़ी मेहरबानी बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी मुर्तदा ये कह रहे थे लाफता तो आप है बड़ी मोहब्बत मजबूर कर लिया मैं एक शेर का इजाफा कर देना फतह हुई करबला
सर चौपा गा लो अशेख उपरिया तुम शेर सुना के जाए जेड़े शेर नाल प्यार करें दे ते जेड़े शेर नू समझ दे आओ सर चौदे शेर सुना बाबा फतेह हुई करबला दौड़ पई दुनिया करबला वाले पासे जर्रे कट्ठे करिए शिफा मिलदी है असी मौके ला बने आ बहाने ला बने आ कोई मौका मिले बहाना मिले करबला पहुंचिए असी जाके मिट्टी कट्ठी करने आ जर्रे कट्ठे करने आ शिफा मिलदी है ऐन हकीकत करबला दे जर्रियां विचों शिफा मिलदी है लेकिन चाचा इस ऐन हकीकत दे विच एक बहुत बड़ी हकीकत है जिहड़ी बंद है आज मेरा दिल है उसे हकीकत नूं उजागर करा बात कड़ी कर रहे हैं पा रहे हैं जी नहीं साजिश के जरों से शिफा पा रहे हैं जी नहीं साजिश के जरों से शिफा वो तो बस एक खाक थी वजह शिफा तो भाई क्या बात है आ रहे हैं जिन्नों इंसान जिसके जर्रों से शिफा बाबा वो तो बस एक खाक थी वजह शिफा तो आप है बाबा कोई मजमाओ सी जिथे मैं इस कसीदे का चौथा शेर पढ़िया लिखिया मैं हे लेकिन पढ़िया मैं उठे वे जिथे मेरा दिल आख्या है और बहुत सारे मजमे जिथे मैं आखना पिया भी काश मुशायरा होंदा ते मुर्तला शेर पढ़ता तुहाडे मेहर नूं वेख के जवानी माणे मेरा अंदरों दिल पिया करेंदा है जो चौथा शेर ही जनाब दी मुहब्बत दी नज़र करा मुशायरे वाला माहौल इस दे हाथ च मैनू पिया मिलता है सच आओ शेर जनाब दी मुहब्बत दी नज़र पिया करना जे हुण मैं पढ़ूँगा तो फिर इंसाफ करे शेर दे नाल सर चो शेर जनाब की मुहब्बत की नजर करा गल के लिए प्यादा एक अजान फौज है और एक वजूए ऐसे है भाई अल्लाह मान बात जनाब तक पहुंची है मेरे ख्याल नहीं पहुंची मैं आराम नाल तुहाडे तक पहुंचा लेना फिर अगली बात बाबा जी कर लेने हमें आख्या एक अजाने फजर है और एक वजूए असर है लो अगली बात पूछा लेने या फिर पढ़ो भाई एक अजाने फजर है और एक वजूए असर है एक अजाने फजर है और एक वजूए असर है इब्तिदा अकबर हदी अजाने फजर है और एक वजूए असर है इब्तदा अकबर है देखी इंतहा तो आप है ऐ अली असगर हमारा आसरा तो आप है बैठो मोगे मेरी नौकरी इस माहौल च बंदा इतना ही की पढ़ सकता है जितना समाज आ भाई जिंदगी बाकी भाई शराली मुलाकात बाकी देखो मैं अपना वादा ही पूरा किया मैं अपने वक्त ही आया अगों जनाब दी मर्जियां जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी इब्तदा अकबर है देखी इंतहा तो किबला इतना ही इवें मिनट डेढ़ का मसाइब पढ़ के मैं मेबर थोड़े हफ्ते पै कर मैं यू मकतूल दा वाकया पढ़ दो बड़ी सोहनी आए निकली तो
जवानी माने मैं आख्या मैं वो मकतूल दा वाकया अंदर फटदा है भी पहले आ गया लफ्ज़े मकतूल ते मकतूल लफ्ज़ सोच के फिर जो अगली हस्ती सामने आती है फिर कलेजा फटता है। मैं हूं मकतूल दा वाकया पढ़दा जवानी माने केड़ा मकतूल जेड़ा पैदल टुर नहीं संगे जेड़ा मां को मां नहीं सड़ संगे आओ उस कीवे पानी जेड़ा मां को मां नहीं सड़ संगे आओ उस कीवे खुशामद नहीं ये बड़ा औखा वक्त है। हर जाकिर जानता है ये बड़ा औखा वक्त है नमाज का आजान का वापिस जावन का हर सिलसिले का। तुसे जितने बैठे हो इस वेले भी बह के तुसे हक अदा किया है मेरा जी दिल आई पहले बंद थे मेरा मेंबर छोड़न दा लेकिन इन्हें हंजुआ की कदर करें दो या इत अद्धे मिनट च एक होर बंद पढ़ के मैं मेंबर पर छोड़ना मारे गए फिरा मारे गए पुत्र आगा आलियो हाथ मुक गई है हुसैन दे आए होए मेहमान ही मारे गए। वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह कल्ला रह गई जहरा दलाल नौकरा बाबा जी नौकरा नौकरा कल्ला रह गई जहरा दलाल कब्जा तलवार ते मथा रखी बैठा है कह वेले गुरबत का होका डेंदा है सैयद पहला होका दिता है असगर पींगे भी चढ़ पे सैयद दूजा होका दिता है पींगा छोड़ के जमीन ते डठा है सैयद त्रीजा होका दिता है अरकां दे बार खैमे दे दर ते आके हकल मार के आते बाबा पुत्रां दे उन्दियां प्यो गरीब नहीं सड़ वेंदे। वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई ओ मेरे जींदिया गरीब ना सड़ा बीबी रुबाब तत्ती जमीन तो चाह के अली असगर नू पींगे विच लिटाए मेरा इमाम मैदान छोड़ के उस खैमे विच आया जांदे मुतलक अक्सर फरमेंदियां ओ खैमा चंगा नहीं लगदा जांदे विच सकीना ते रुबाब ना हो चलदा चलदा खैमे दे विच आया के पुछदा रुबाब मेरा असगर किथे बीबी ने पींगे दे पास इशारा किया सैयद चलता चलता पुत्र दे सर ते आया पुत्र दे चेहरे तो मेरे इमाम कपड़ा हटाए मैं कुर्बान जावा असगर छोटिया छोटिया अखी खोल के बाबे दे चेहरे नु डिठाए छोटिया छोटिया बाई में बाबे दे पासे वधाइयां माँ प्यो दी उल्फत तकादा पे पड़दा ओ पै गालियो माँ होवे प्यो होवे बाबा जी जड़े वेले छोटा बच्चा हथा ते आवे ना प्यो प्यार करन तो बगैर रह सकदा है ना माँ प्यार करन तो बगैर रह सकदी है। मेरे इमाम नु पुत्र दे सोहणे चेहरे ते प्यार आए मेरे इमाम ने इवें झुकना शुरू किया झुकदा 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 मैं प्या पढ़दा शा तसे पुत्र दा मुंह चुमया बड़ा अमीर है बंदा जल्दी हाय मेरे लिए सदका सदका कुछ सज्जन शबीर नु भूल गए आई आई याद जवानी वा
लाना तुम्हारा।